राजधानी देहरादून में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दून पुलिस ने बड़ा प्रयोग किया है। इस प्रयोग के तहत देहरादून के 21 बड़े स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है ताकि एक साथ होने वाली जाम की समस्या से राहत मिल सके। इस ट्रैफिक प्लान के तहत ये स्कूल 15 मिनट पहले खुलेंगे और छुट्टी आधे घंटे पहले होगी। वहीं SSP देहरादून अजय सिंह ने तमाम स्कूलों में जाकर ट्रैफिक प्लान का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर के सभी बड़े 21 स्कूलों में से 2 स्कूलों ने 22 जुलाई तक का समय मांगा है। इस दौरान उन्होंने सभी अभिभावकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की भी अपील की है। जो हमारे 21 स्कूल थे इसमें 19 स्कूल की टाइमिंग इसमें ऑलमोस्ट आज जो था वो मैंने चेक करवा लिया, हर जगह ड्यूटी थी वो चेंजेस हो गए हैं। 2 स्कूल थे जिन्होंने 22 तारीख तक का परमिशन लिए, इसमें जो इसमें सेंट जोसेफ और जो सेंट जीजस एंड मेरी स्कूल है तो उनको सर से 22 तक परमिट किया है। बेसिकली जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग ना करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, जैसे अभी देखा छोटे बच्चों की छुट्टियाँ हुई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसमें 8 से 10 बच्चे छोटे जो अलाउड हैं वो चले जाते हैं, बशर्ते उसकी जगह 10 गाड़ी चाहे वो टू व्हीलर या कार हो। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेने के लिए भी इनोवा और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है रोड एक ही है, पब्लिक का आना जाना भी नहीं रोड पर रहता है। साथ ही साथ और भी यहाँ कॉम्प्लेक्सेस बन गए, कितने मल्टी स्टोरी बन गए, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं स्कूल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।